Hello guys, welcome back to another daily MPPSC MCQ part number 28 presented by me Aditya Dubey. In this lesson, we will look forward to some important MCQ pertaining to MPPSC preparation. सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है. ओके सबसे पूर्वोत्तर में स्थित इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट आपको बताना है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आलमगीरपुर. अब ये आलमगीरपुर कहाँ पे सिचुएटेड है, ये मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है. अब आपको एक प्लॉटिंग पता होना चाहिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन की, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. तो आप ये जानते हैं ये हमारा प्लॉटिंग मैप होता है. ओके प्लॉट करने के लिए यूज किया जाता है. सबसे ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है नॉर्दर्न पॉइंट. नॉर्दर्न पॉइंट जो सिचुएटेड है इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट, उसको कहते हैं मांडा. ओके जो कि हमारे ऑप्शन ए में दी हुई है. अब ये मांडा कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है जम्मू और कश्मीर में. ओके जे एंड के में सिचुएटेड मांडा, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की नॉर्दर्न मोस्ट साइट कंसिडर की जाती है. अगर बात की जाए सदर्न मोस्ट साइट की, तो सदर्न मोस्ट साइट भी आपको मालूम होना चाहिए, ये है दाइमाबाद. ओके दाइमाबाद कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है महाराष्ट्र में. ओके और अगर बात की जाए वेस्टर्न मोस्ट साइट की, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की आपसे पूछी जाए, तो वो है सुतका गेंडोर. सुतका गेंडोर कहाँ पे सिचुएटेड है, ये करेंटली पाकिस्तान में सिचुएटेड है. और ईस्टर्न मोस्ट साइट का आपने क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिया, तो ईस्टर्न मोस्ट साइट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की है वो है आलमगीरपुर, विच इज इन उत्तर प्रदेश. ओके सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि लोथल के उत्खननकर्ता कौन है इनमें से. ओके लोथल एक्सकेवेटेड बाय हुम, तो लोथल को एक्सकेवेट किया था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एस आर राव जी ने. एस आर राव जी ने 1955 को लोथल को एक्सकेवेट किया था. अब लोथल से रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है सामने एग्जाम में कि ये यहाँ पे डॉकयार्ड है. ओके मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर आपसे डॉकयार्ड पूछा जाए, मीन्स बंदरगाह पूछा जाए, तो ये है लोथल में. और अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए तो आप ऐसा बता सकते हैं कि इट वॉज द ओनली साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड वॉज फाउंड. ओके आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड फाउंड हुआ है लोथल से, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है. अब ये सिचुएटेड कहाँ पे है, तो ये सिचुएटेड है गुजरात में. ओके अब बात करते हैं अगले फैक्ट की जो इस आंसर के साथ एसोसिएटेड है. पहला फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि दयाराम साहनी ने किस साइट की खोज की थी, मींस इंडस वैली सिविलाइजेशन में दयाराम साहनी जी ने कौन सी साइट की खोज की थी. तो इन्होंने खोज की थी सबसे इंपॉर्टेंट साइट और सबसे पहली साइट, जिसको कहा जाता है हरप्पा. इसी के कारण हरप्पा सिविलाइजेशन इसको नाम दिया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन को. ओके और इन्होंने खोज कब की, तो इसका ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है. तो इन्होंने इसकी खोज की थी 1921 में, याद रखिएगा 1921 में हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी जी ने. अब उसके ठीक एक साल बाद 1922 को मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखालदास बनर्जी जी ने. ओके मोहनजोदड़ो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है. तो ये सिचुएटेड है सिंध प्रांत को, मींस जो पाकिस्तान को बिलोंग करता है. अगर स्पेसिफिकली लोकेशन पूछी जाए मोहनजोदड़ो की, तो आप बता सकते हैं कि ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध को बिलोंग करता है. ओके और आपको अगर हड़प्पा की एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाए, तो ये भी पाकिस्तान को बिलोंग करता है, लेकिन ये मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब रीजन ऑफ द पाकिस्तान को बिलोंग करता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें मालूम होना चाहिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें आर एस बिस्ट जी के बारे में पता होना चाहिए. तो इन्होंने बनावली की खोज की थी. ओके बनावली एक साइट है, इंपॉर्टेंट साइट है, जो कि करेंटली हिसार हरियाणा में सिचुएटेड है इंडस वैली सिविलाइजेशन की. तो इसकी खोज की थी आर एस बिस्ट जी ने, और ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है. तो ईयर है इसका 1974. ओके तो ये याद रखिएगा. लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि साबरमती और भोगवा नदी के संगम पे, जो कि गल्फ ऑफ खंबात के पास है, वो वहां पे जो साइट सिचुएटेड है उसका नाम क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ साबरमती एंड भोगवा नियर गल्फ ऑफ खंबात. तो ये है हमारी लोथल. ओके जो कि डॉकयार्ड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का. लोथल जो सिचुएटेड है वो करेंटली गुजरात में है. ओके और अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए, तो आप बता सकते हैं कि इट इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ साबरमती एंड भोगवा नियर गल्फ ऑफ खंबात गुजरात. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है. अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट्स की जो इस क्वेश्चन के साथ एसोसिएटेड हैं. अब आप जानते हैं कि आलमगीरपुर के बारे में आपको बताया था मैंने कि ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है, जो कि यूपी में है सिचुएटेड. ओके अब आपसे पूछा जा सकता है कि आलमगीरपुर की खोज किसने की थी, मींस हु वाज द एक्सकेवेटर ऑफ द आलमगीरपुर. तो ये है मिस्टर वाई डी शर्मा. ओके वाई डी शर्मा वॉज द एक्सकेवेटर ऑफ द आलमगीरपुर, विच इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. और ये कहाँ पे किस नदी के तट पर है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये सिचुएटेड था हिंडन नदी के तट पर. ओके
अगर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की, मतलब दूसरे ऑप्शन की, तो ये जो है रोपर, तो रोपर की भी जो डिस्कवरी की थी वो की थी वाई डी शर्मा जी ने। ओके, वाई डी शर्मा जी ने रोपर की भी एक्सकेवेशन किया था और आलमगीरपुर का भी एक्सकेवेशन किया था। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि लोथल के एक्सकेवेटर कौन है, तो वो है एस आर राव जी। ओके, एस आर राव वॉज द एक्सकेवेटर ऑफ द लोथल। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नवदा टोली का उत्खनन करता इनमें से कौन है। ओके, नवदा टोली एक्सकेवेटेड बाय हुम। तो नवदा टोली के जो उत्खनन करता है वो है मिस्टर एच डी सांकल्य। एस डी सांकल्य वॉज द एक्सकेवेटर ऑफ द नवदा टोली। अभी नवदा टोली सिचुएटेड कहाँ पे है, तो ये हमारे एमपी में इंदौर के निकट सिचुएटेड है। ओके, नवदा टोली सिचुएटेड नियर इंदौर और मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की राइटिंग स्टाइल को क्या कहा जाता है इनमें से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो राइटिंग स्टाइल होती है उसको बोला जाता है बोस्ट्रोफेडॉन। ओके, बोस्ट्रोफेडॉन इज द राइटिंग स्टाइल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोस्ट्रोफेडॉन कैसी लिखी जाती है। तो बोस्ट्रोफेडॉन लिखी जाती है राइट से लेकर लेफ्ट तक, और अगली लाइन जो लिखी जाती है मीन्स फर्स्ट लाइन जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है राइट से लेफ्ट, और अगर आपसे सेकेंड लाइन पूछा जाए तो सेकेंड लाइन जो लिखी जाती है वो लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती है। तो याद रखिएगा राइट से लेफ्ट देन लेफ्ट से राइट, और इस स्टाइल को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बोस्ट्रोफेडॉन। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आई होप यू लाइक इट। यदि आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर कीजिए कमेंट और लाइक करके। और इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स रिगार्डिंग माई चैनल। मैं जल्दी लेसन्स पे काम कर रहा हूँ और मैं जल्दी ही अच्छे एक लेसन अपलोड करूंगा। आई होप यू विल लाइक इट सून। और इसके अलावा अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज़ प्रीवियस प्लेलिस्ट जरूर ट्राई कीजिएगा, चाहे वो एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 की हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की हो, या और भी जो मैंने करंट अफेयर या डेली एमसीक्यू बनाए हैं आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक की लिंक है facebook.com/aditya-dubey-mbpsc, या आप ट्विटर में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर की लिंक है twitter.com/cyberaditya। आई होप यू आर डूइंग वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक, बाय बाय।